हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तेज बड़गुजर। अभी अपन देख रहे वाले हैं अपना स्ट्रट्स फ्रेमवर्क, जहाँ जो आता है अपने जावा में, एडवांस जावा में। तो इसको अपन करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक फॉर्म होता है जहाँ पे हमें मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम रन ही करके दिखा देता हूँ ना। ओके, ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो देखिए यहाँ पे, अगर आप डायरेक्टली सबमिट करोगे तो ऐसा ऐसा आना चाहिए। पासवर्ड रिक्वायर, यूज़र नेम रिक्वायर। अगर आप सिर्फ यूज़र नेम डालते हो तो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर। से अगर पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड रिक्वायर। अगर अपना वाला पासवर्ड सेम ना रहे, अभी देखिए सर मैं यहाँ पे 123 डालता हूँ और यहाँ पे भी 123 डालता हूँ, तो सक्सेस होना चाहिए। अगर मैं अलग अलग डालता हूँ तो ये फेल हो रहा। अगर रीसेट करता हूँ तो ये रीसेट हो रहा। ऐसा इसने काम चाहिए, तो ये काम अभी अपन करने वाले। तो ये प्रोग्राम अभी अपने को करने का है, आपको कर देता हूँ। बहुत ही चूँकि ओके, अभी अपन इसको तैयार करेंगे। इस प्रोग्राम को न्यू प्रोजेक्ट जाएंगे, जावा वेब वेब एप्लीकेशन, इस पे जाएंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टार्ट्स न्यू, नेक्स्ट करेंगे, टॉमकैट रहने देंगे, और यहाँ पे स्टार्ट्स फ्रेमवर्क सिलेक्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। फ्रेम सिनिक होने के बाद में अभी अपन जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। जेएसपी पे जाने के बाद में अपन फॉरवर्ड की लाइन को डिलीट कर देंगे। वो डिलीट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोड है, वो अपने को डालना होगा। तो वो कोड थोड़ा लंबा है, इसके लिए मैं उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से टिंका है, सॉरी करें। ओके, ये प्रोग्राम मैं कॉपी करता हूँ। अगर मैं प्रोग्राम लिखते जाता तो अपने को टाइम लग जाता ना इसके। ये प्रोग्राम आपको लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया यूज़र नेम का। यहाँ पे एचटीएमएल का फॉर्म लिया है, एचटीएमएल कोलन फॉर्म, ये लॉगिन फॉर्म। ये स्ट्रट्स की कोडिंग है, ऐसे ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। एचटीएमएल कोलन टेक्स्ट, एचटीएमएल कोलन एरर वगैरह, पासवर्ड वगैरह, यहाँ पे यूज़र एरर, पासवर्ड एरर, सबमिट रिसेट। ऐसे अपने पूरा साचा वो तैयार कर लिया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी आते हैं हम हमारे इस पे आते हैं, तो उस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे माय क्या बोलते हैं इसको, माय कॉम डॉट माय एप्स वगैरह, इस फाइल पे आएंगे अभी अपन, ठीक है। अभी इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, स्ट्रट एक्शन फॉर्म भी जाएंगे। अगर आपको ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहा है तो आप यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद स्ट्रट लेंगे, स्ट्रट एक्शन फॉर्म भी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रट एक्शन फॉर्म भी को नाम देंगे अपन, क्या नाम देंगे, इंडेक्स बिन, INDEXBEN। इंडेक्स बिन मैंने नाम दे दिया उसको। नाम देने के बाद में बाकी सब कुछ सेम है। इसको डायरेक्ट फिनिश कर दिया। फिनिश कर देने के बाद में इसको ये फालतू कोड मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा फालतू कोड भी है यहाँ पे, सिलेक्ट करिए प्राइवेट से नीचे से लेकर, सिलेक्ट करिए, करते जाइए और यहाँ तक सिलेक्ट करिए, इंडेक्स बिन के ऊपर तक, और इस सारे कोड को उड़ा दीजिए। देने के बाद में इसको स्ट्रिंग करने के बाद में यहाँ पे लिखिए यूज़र, और यहाँ पे लिखिए पास, ऐसा यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना आपने को इसके लिए। और यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कोड पे जाइए, यहाँ पे गेटर एंड सेटर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में दोनों पे क्लिक कीजिए और जनरेट कर दीजिए। ये अपना वाला प्रोग्राम कोड जनरेट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग करने की अपने को टाइप करने का है, अपने पास टाइप करने के लिए टाइम नहीं है, इसके लिए मैं सीधा उठाता हूँ यहाँ से इंडेक्स नाम की फाइल है अपने वाली, यहाँ से इंडेक्स बिन, मैंने इसको यहाँ से ये प्रोग्राम उठाने के बाद मैं इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दिया। ये वाला प्रोग्राम क्यों लिखा है, क्योंकि गेट यूज़र, तो ये जो अपना गेट यूज़र फंक्शन है ऊपर का, वहाँ पे चेक करेगा वो नल है क्या नहीं है, और गेट यूज़र में उसकी केस चेक करेगा, और केस चेक करने के बाद मतलब दोनों का सेम काम करेगा, पासवर्ड है क्या नहीं है, पासवर्ड केस बराबर है क्या नहीं, सब कुछ चेक करेगा। उसके बाद में अगर है तो आगे जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आर ई एस और कंट्रोल दबा के स्पेस डालेंगे,
आएगा, एंटर मारेंगे तो ऐसा आएगा, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे एंटर मारेंगे, यहाँ पे भी छोटा सा एक कोड है वो अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो भी हमने लिख दिया, क्योंकि अगर हमको रिसेट करना होगा ना पासवर्ड वगैरह, तो यहाँ से अपन वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह रिसेट अगर बटन पे अगर क्लिक किया तो ये होगा, ठीक है। तो काम हो गया, इंडेक्स बिन का काम अभी अपना वाला हो गया है। उसके बाद में अपन जाएंगे अपने वाली एप्लीकेशन रिसोर्स में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में लास्ट में अपने को दो लाइन डालने की लाइन डालेंगे अपन, यूजर नेम रिक्वायर्ड और पासवर्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पे तो अपन स्टर्स के प्रोग्राम में ही है, इसकी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाऊँगा अपने वाले इधर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँ। ये दो लाइन आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये दो लाइन यहाँ पे लिखने के बाद में अभी आपको जाना है फिर से अपने वाले इंडेक्स बिन में, और इंडेक्स बिन में जाके हमने अभी ये सारा का सारा काम कर लिया है ना, ये यूज़र का क्लियरिंग का वगैरह वगैरह सब कुछ काम अभी अपन ने ये वाला सब कुछ कर लिया है। उसके बाद में अभी जाएंगे अपन उधर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे सोर्स पैकेज पे, और माय ऐप्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे माय ऐप्स डॉट स्ट्रट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रट एक्शन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपन स्ट्रट एक्शन का नाम देंगे, क्या नाम देंगे हम, स्ट्रट एक्शन का नाम देंगे अपन इंडेक्स एक्शन, इंडेक्स एक्शन नाम देने के बाद में अपन इसको करेंगे यहाँ पे इनवैलिड पाथ बोल रहा है, तो आपको अगर आपने देखा होगा तो हमने हमने जो इंडेक्स फाइल ली है वहाँ पे लॉग इन पाथ ऐसा नाम ले है, देखिए तो GIN लॉग इन पाथ ऐसा नाम लिखा है, मैं आपको देखा था वो कहाँ पे है। और सर सर उससे पहले अपन ये टिप्स क्लिक कंप्लीट कर लेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वेब पेज पे क्लिक करेंगे, इंडेक्स पेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए देखिए इंडेक्स पेज में देखिए यहाँ पे अपन ने लॉग इन पाथ लिखा है ना, तो वही सेम लॉग इन पाथ हमने वहाँ पे भी, ठीक है। इंडेक्स बिन अपनी फाइल तैयार हो, इंडेक्स एक्शन अपनी फाइल तैयार होगी यहाँ पे, इंडेक्स एक्शन फाइल यहाँ पे तैयार होती। बहुत सारा भंगार कोड उड़ा दे, तो इस लाइन को कॉपी करिए और यहीं पे उसको पेस्ट करिए, और यहाँ पे सक्सेस की जगह पे फेल्योर का नाम लिख लिख के FAILURE बराबर नाम है, FAILURE फेल्योर 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 का नाम लिख लिया है अभी अपन ने। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कोड है वो अभी अपन टाइप करेंगे, थोड़ा सा कोड है यहाँ पे, वो कोड अपन अगर उठाते आया तो उठा लेंगे यहाँ से इंडेक्स एक्शन से इंडेक्स, हाँ उठा ही लेंगे अपन वो कोड, थोड़ा लंबा कोड है, ठीक है, इसलिए कॉपी किया मैंने उसको, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने मैंने उस कोड को डाल दिया, ठीक है। एक हेडर फाइल मांग रहा था उसको दी, देखिए हमने क्या क्या टाइप किया है, HTTP सेशन लिया है, और HTTP सेशन के लिए एक हेडर फाइल लगती है जो है हमारी वाली HTTP सेशन java.x.servlet.htp सेशन वाली फाइल लगती है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हाँ हो गया, इंडेक्स बिन अपना वाला फाइल फाइल का नाम है ये वाली कहा गई अपने वाली फाइल, ये वाली वाली फाइल का नाम है अपने वाली इंडेक्स बिन, ठीक है। वही फाइल का नाम सेम टू सेम लिखना है आपको। उसके बाद में HS अपना वाला HTTP सेशन सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट करने के बाद में सेशन एक ऑब्जेक्ट डॉट गेट यूज़र, यूज़र से गेट करेगा वो, वहाँ पे अपना सेट यूज़र गेट यूज़र है ना, कहाँ पे वो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है ना यहाँ पे, यहाँ से वो गेट वगैरह सब कुछ कर लेगा, गेट पासवर्ड गेट यूज़र, अगर पासवर्ड से है तो सक्सेस कर देगा, नहीं है तो फेल कर देगा, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद में ये सब कुछ काम कर देगा। अभी ये अपने वाली लास्ट स्टेप है, यहाँ पे अपना वाला प्रोग्राम होता है कंप्लीटेड। अभी एक और स्टेप बाकी, यहाँ पे अपन जाएंगे
अपने वाले web.inf में या पे स्टार्ट कॉन्फिग में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में अपने को एक लाइन ऐड करानी है जो अपन अभी ऐड कर लेंगे। तो अब एक्शन मैपिंग पे जाने का है अपने को। एक्शन मैपिंग यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने का है, स्टार्ट पे जाने का है, ऐड फॉरवर्ड पे जाने का है। ऐड फॉरवर्ड पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक राइट करने का है अपना फॉरवर्ड नेम। फॉरवर्ड नेम क्या है अपना वाला, ये वाला लॉग इन पाथ नहीं अपना वाला, ओके सॉरी सॉरी। उससे पहले अपने को है ना दो फाइल इंसर्ट करानी होती है, दो फाइल इंसर्ट करानी होती है जो लॉग इन और सक्सेस, लॉग इन सक्सेस और लॉग इन फेल ऐसा करके जो दो फाइल होती है जो अपन जेएसपी से ले लेते हैं, लॉग इन सक्सेस जी लॉग इन सक्सेस नाम की फाइल ले ली हमने, फिनिश कर दिया यहाँ पे वर्ल्ड के बाजू में सक्सेस ओके। और उसके बाद में एक और फाइल लेंगे अपन, उसके उसमें लिखेंगे फेल ओके। लॉग इन सक्सेस एंड फेल पेज ओके। तो दो 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 लिए हैं हमने फाइल ओके। इन फाइल को अभी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। मैपिंग पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, ऐड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे लॉग इन सक्सेस। उसके बाद में उस फाइल का पाथ दे देंगे, यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और लॉग इन सक्सेस सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ग्लोबल में उसका पाथ ऐड हो जाता है ग्लोबल में, देखिए यहाँ पे ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और ऐड फॉरवर्ड करेंगे और इसके फेल पेज फाइल फेल पेज करेंगे। उसके बाद में फेल पेज अपन देख लेंगे कहाँ पे अपना वाला फेल पेज ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड पेज कर लेंगे। ऐड पेज वो भी आ गया फेल पेज ठीक है। अभी अपना वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, अभी अपन इसको रन करेंगे। तो रन करने से पहले मैंने यहाँ पे ना अपना ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो अपन फिर से एक बार रन करेंगे। ओके क्रोम में रन हो गया तो बहुत अच्छा है ठीक है। अभी देखिए अपन यहाँ पे लिखेंगे MSB और यहाँ पे भी मैं सेम लिखता हूँ MSB। अगर सेम लिखा तो लॉग इन सक्सेस उसने बोलना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो लॉग इन फेल दिखा जाए। अभी यूजर नेम रिक्वायर्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड ऐसा कह रहा है ठीक है। अगर मैं यूज़र नेम डालता हूँ पासवर्ड नहीं डालता हूँ तो ऐसा बोलता है, अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ लेकिन यूज़र नेम नहीं डालता हूँ तो ऐसा बोलता है, अगर मैं दोनों डालता हूँ 1 2 3 और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि अपना वाला कुछ गलत हुआ है शायद से। ग्लोबल फॉरवर्ड में गलत हुआ है ख्याल से, फॉरवर्ड तो बराबर है यार, व्हाट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब ये स्टेप तो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर वैसे तो अपना तो हो ही चुका था एक बार। यहाँ पे फाइल के यहाँ पे जाने एक्शन मैपिंग के ना एक्शन मैपिंग के एक्शन मैपिंग पे आने के बाद में ये ग्लोबल फॉरवर्ड्स में आ जाता है, वैसे ही सेम है यहाँ पे भी आ चुका है ना, यहाँ पे भी आ चुका है ग्लोबल फॉरवर्ड्स में। फॉरवर्ड में फॉरवर्ड नेम फेल पेज फेल पेज FAIL फेल पेज बराबर है क्या भाई, FAILPAG.JSP और अपनी वाली login.JSP ठीक है। दोनों बराबर है, कोई टेंशन नहीं, दोनों वेलकम की फाइल भी मैं इन दोनों को ही कॉपी कर लूँ, दिक्कत ही नहीं रहेगी ना। और इस फाइल का नाम है ना मैं चेंज कर देता हूँ, सक्सेस पेज है ना क्या है लॉग इन सक्सेस सेव किया मैंने। अगर नहीं भी होता है तो भी आप कर लेने का, ये आपका हो जाएगा 101% हो ही जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा कुछ तो भी अलग प्रॉब्लम है तो वही नहीं है, देखिए हो गया सक्सेस, कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे अपने लिखने की गलती थी,
हो गया अपना वाला प्रोग्राम रेडीमेड एकदम खतरनाक, इंसर्ट न्यू बराबर वही प्रोग्राम है अपना वाला, अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ तो लॉग इन फेल, ऐसा आ गया फेल, फेल पेज पे अपन ने कुछ डाला ही नहीं। ओके फेल पेज पे आ गए अपन, फेल लिंक मेरे को आती नहीं है, पे आए जल्दी आती नहीं आ गई रे। ठीक है मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ रन करने के बाद मैं अगर फेल पेज पे देखिए फेल हो गया, अगर सेम होता है तो लॉग इन कर, लॉग इन कर दिया। तो इस वीडियो में इतना देखने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शुभ रात्रि।